बिल्कुल, प्रॉब्लम मन से ही ज़्यादा है। और शरीर तो वर्तमान में है, शरीर कहाँ जाएगा, लेकिन हम चूँकि बॉडी माइंड है, साइकोसोमेटिक है, तो मन का माइंड का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो कई बार जब मन अतीत और भविष्य में भागता है तो किन्हीं अर्थों में शरीर भी वर्तमान में नहीं रह जाता, तो जो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों को, वो वर्तमान में न रहने की वजह से ही, क्योंकि वर्तमान में नहीं थे, मन हमारा माइंड जो था वो हटा वहाँ से, तो शरीर टाइम स्पेस में होने के बावजूद भी उसका कुछ फंक्शन डिसओरिएंटेड हो जाता है, अलग हो जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं इसलिए भी पैदा हो जाती हैं। लेकिन फंडामेंटली इस पर काम करना है तो माइंड पे ही, मन पे ही काम करना, उसको ही समझना, उसको ही हमको देखना है। अब कोई बात थी हमको समझनी है तो हम भविष्य में ही समझने की तैयारी कर रहे हैं, कल समझेंगे, और एक है कि हम अभी अभी हम क्या और कितना समझ रहे हैं इस पर ध्यान कभी नहीं देंगे। अगर अभी की हम सटल अंडरस्टैंडिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दें तो वही भविष्य की बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगी। इस पॉइंट को और समझें, बहुत बारीक पॉइंट है, सटल पॉइंट है। जेन में इसी को सतोरी कहते हैं। सतोरी का मतलब मिस्टिकल तो बहुत लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन इन माय व्यू सतोरी का मतलब सटल अंडरस्टैंडिंग्स। आप बैठे हैं तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ समझ भी आ रही है, कुछ क्लैरिटी भी आ रही है, ऊर्जा के कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, तो ये सतोरी है, सटल एक्सपीरियंसेस। तो जब हम इनमें डूबते हैं, उनको पूरी तरह महसूस करते हैं, उनको पूरी तरह एंजॉय करते हैं, तो किसी दिन यही इंटीग्रेट होके जुड़ के एक इटर्नल अंडरस्टैंडिंग में बदल जाते हैं, एक शाश्वत जिसको कहते हैं प्रज्ञा, और उसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं। लेकिन जो इनलाइटनमेंट की भी कोशिश कर रहा होता है वो भविष्य में कर रहा होता है कि भविष्य में कभी, अभी तो कुछ नहीं है, भविष्य, फिर वो हमेशा भविष्य में ही रहेगा, वर्तमान में कभी नहीं होगा। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए सोचे कि अभी क्या है, राइट नाउ व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, ये प्रश्न हमको अपने आप से हमेशा, इस समय क्या अवस्था है, कुछ तो होगी जरूर, बस उसमें डूब जाएं, किसी बड़ी अवस्था की आशा ना करें। फिर वही गहरी होके कुछ बड़ी अवस्था बन जाएगी, यानी कि जब आप सागर में गए तो पहले आपके पैर रेत में पड़े, बीच पे सैंड पे, आप सागर से रिलेट तो करने लगे हैं लेकिन अभी सागर में नहीं गए, तो पहले तो आप उसी का रेत का आनंद लेंगे। आप जब किनारे पर आए हैं, हल्का सा गीलापन है, तब भी आप वहीं हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे शैलो वाटर है, लेकिन तब भी आप वहीं हैं, और फिर आप और गहराई में जा सकते हैं, यानी हर कदम आपको गहराई में ले जाएगा। और आप यकीन माने, अगर किसी ने रेत का अनुभव नहीं किया, गीलेपन का अनुभव नहीं किया और शैलो वाटर का अनुभव नहीं किया, तो गहराई का भी अनुभव कभी नहीं करेगा वो, फिर वापस लौट आएगा और फिर सोचेगा कि चलो फिर जाएंगे बीच पे, बहुत अच्छा लगा था। उससे पूछो क्या अच्छा लगा था, कुछ अच्छा लगा था, लेकिन वो सर्टन नहीं, क्लियर नहीं है। सतोरी का मतलब है कि जब रेत पर हैं तो रेत का पूरा अनुभव, और नज़दीक हैं तो उसका पूरा अनुभव, वो भी कंप्लीट ओशन का ही अनुभव है, वही है, लेकिन हमारा माइंड भविष्य में फेंक रहा है।
कि अभी नहीं, ये तो कुछ आएगा, अभी अभी तो कुछ आएगा, अभी तो कुछ और आएगा, वहीं पर चूक हो जाती है, समझ रहे हैं? सटल है, मन का ही इसमें रोल है, लेकिन बहुत समझने की बात है। इसी समय कुछ तो हो रहा है, अपने को कभी भी झकझोर कर पूछें कि इस समय क्या है मेरी स्टेट, कुछ तो जरूर होगी। और मुझे यकीन है अच्छी ही होगी, बुरी नहीं होगी। बुरी भी तभी होती है जब आपका मन भविष्य में बहुत सोच रहा होता है, आप सोच रहे होते हैं कि क्या होगा कल। लेकिन अगर अभी आप पूछे अभी राइट नाउ क्या प्रॉब्लम है, इस समय क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं, इस समय सब ठीक है कि नहीं, सब ठीक है। जब भी आप पूछेंगे उस मोमेंट पे आपको यही जवाब मिलेगा, हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदा है, अच्छे से हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर प्रॉब्लम होगी राइट मोमेंट में तो उसका समाधान भी तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप मोमेंट में नहीं होंगे, आप सोच रहे होंगे कुछ